हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग स्पैंड। मैं अनामिका। आज मैं आप सभी लोगों को बताने जा रही हूँ मसालेदार आलू किस तरीके से बनाए जाते हैं। बेसन वाले होते हैं, इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और आप अपने घर पे बहुत आसानी से बना के खा सकते हैं। बरसात का मौसम आ रहा है और बरसात भी हो रही है, तो इसी तरीके से आप भी बनाइए और अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाइए बना के, और आप खुद भी खाइए। इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, मैंने ले लिया है लहसुन, ले लिया 5-6 कलियाँ, एक ले लिया है मैंने हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन 1/2 छोटा चम्मच, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 छोटा चम्मच जीरा। इन सारी चीज़ों को आपस में पीस लेना है। यहाँ पर मैंने ले लिया है गरम मसाला और 1 चम्मच मैंने ले लिया अमचूर पाउडर। यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन ले लिया है, इसमें मैंने 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल दिया है, या आपने स्वादानुसार डाल सकते हैं नमक। यहाँ पे मैंने 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, अजवाइन है उसे डाल दी है, अजवाइन डालने से टेस्ट अच्छा आता है, और यहाँ पे मैंने जीरा भी डाल दिया है। आप बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, और सारी चीज़ों को अच्छे से आपस में मिक्स कर देना है। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करते हुए एक पेस्ट तैयार करना है। पेस्ट ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो, जिस तरीके से पकौड़ियाँ बनाते हैं उसी तरीके से बना लेना है। इतना फेंटना है इसको कि जिसमें इसकी गांठें हैं वो ना रहे बेसन की। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक पेस्ट बना लिया है। बस इसी तरीके से बना लें और गुठलियाँ ख़त्म होने तक इसी तरीके से फेंटते रहें। अब इसमें थोड़ा सा और पानी डालना है। जो मसाला मैंने बनाया था उसे देखिए पीस लिया है मैंने। अब यहाँ पे मैंने आलू ले लिए हैं 4। आपके घर जितने भी मेम्बर्स हो उस हिसाब से आलू ले सकते हैं। अब इसको मैंने 20 से कट किया है। ये देखिए, इस तरीके से कट कर ले आलू को। अब इसमें ये जो मसाला तैयार किया है इसको लगा दे। तो देखिए, मैंने अच्छे से चारों तरफ लगा दिया है आलू के। अब दूसरा आलू है उसी तरीके से चिपका दे इसे। इसी तरीके से सारे आलू में मसाला है उसे लगा दे। आप लोग एक बार ज़रूर बना के खाइएगा, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप मसाला पीसते टाइम इसमें हरी धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इस पर भी मैंने लगा दिया है मसाला। ये लास्ट आलू बचा है, इस पर भी इसी तरीके से लगा दें मसाला। तो ये देखिए, इस पे भी मैंने मसाला है उसे लगा दिया है। मसाला लग गया है आलू में। अब कढ़ाई को मैंने गैस पर रख दिया, तेल है गरम हो गया है। आलू जो है उसे उठाना है और बेसन में लपेटना है और इसे गरम तेल में डाल देना है। गैस मीडियम रखें। आपके कढ़ाई में जितने आलू आ जाए उसी तरीके उसमें डाल दें। तो यहाँ पे मैंने 4 आलू हैं, 4 आलू एक साथ डाल दिए हैं। तो देखिए, एक तरफ सिक जाए दूसरी तरफ पलट दें। तो यहाँ पे मैंने आलू जो है उन्हें पलट दिया है। देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। इन्हें पलटते रहें। मसाला आलू बेसन आले बनकर तैयार हैं। ये देखिए कितने देखने में अच्छे लग रहे हैं और खाने में उतने ही अच्छे हैं। तो मेरी रेसिपी ये अच्छी लगी है, मसाला बेसन वाले आलू, तो प्लीज़ एक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मैं फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।